हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो पैटर्न है वो मैंने ये वर्धमान की कुडोज वूल है, इस पर जो है क्रीम कलर के इस धागे पर बनाया हुआ है। हल्की सी थिक वूल रहती है, जैसे 8 या 9 नंबर पर आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा छोटी बुनाई का डिज़ाइन मैं जो है लेके आई हूँ आज, और उभरने वाला डिज़ाइन है, बहुत प्यारा सा डिज़ाइन है। ये इसकी फ्रंट साइड है और इसकी रॉन्ग साइड जो है वो इस तरीके से बनती है। रॉन्ग साइड भी बड़ी अच्छी स्मूथ स्मूथ जो है वो बनती है। और ये पैटर्न जो है वो हल्का सा फैलने वाला डिज़ाइन है। जितने फंदे मैंने जो है एक उल्टा सीधा का जो है बॉर्डर पर बनाए हैं, उतने ही फंदों पर डिज़ाइन जब आगे बनाया है। तो ये आप देखते हैं कि ये जो है हल्का सा फैलने वाला डिज़ाइन होता है, इसलिए इसमें जो है बॉर्डर के ऊपर आपको फंदे बढ़ाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। और अगर आप बच्चों के लिए टॉप डाउन जो है फ्रॉक या कार्डिगन बनाना चाहते हैं, तो ये पैटर्न आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं नेक योक बनाने के बाद। ये देखिए, छोटी बुनाई का डिज़ाइन है, सिर्फ 2 सिलाई का रिपीट पैटर्न है। रो 1 जो है हम रॉन्ग साइड पर बनाएंगे और रो 2 फ्रंट साइड पर बनाएंगे। सिर्फ 2 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है, और इसको बनाने के लिए फंदे जो हैं वो लेंगे हम ऑड नंबर में। ऑड नंबर मतलब 3, 5, 7, 9, 11, 15, इस तरीके से, जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, छोटी बुनाई का बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन है, उभरा हुआ डिज़ाइन आता है, आपको बहुत पसंद आएगा। ये देखिए, तो इसे जो है जेंट्स स्वेटर्स में आप डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन्स में डाल सकते हैं, बेबी सेट्स पर डाल सकते हैं, और यहाँ तक कि आप ब्लैंकेट्स भी बना सकते हैं इस तरीके के पैटर्न को यूज़ करके। ये देखिए, तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो है मैंने ऑड नंबर में जो है यहाँ पे 11 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑन करे हुए हैं। और अब देखिए, आप बॉर्डर बना लीजिए। इसको बनाने से पहले अगर एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे तो वो उस पर जो है बहुत अच्छा जाएगा। तो ये मैंने जो है थोड़ा सा बॉर्डर बना के कंप्लीट किया हुआ है। और फ्रंट साइड पे हम जो है एक फाउंडेशन रो बनाएंगे, मतलब कि हम सारी की सिलाई जो सारी सिलाई है फ्रंट साइड पे बॉर्डर बनाने के बाद वो सारी की सारी एक जो है वो सीधी सीधी बना लेंगे। ताकि हमारा जो पैटर्न है वो बिल्कुल पहली सिलाई से क्लियर बने, इसलिए हमने ये बॉर्डर बनाने के बाद फ्रंट साइड पर एक सिलाई जो है वो पूरी पूरी सीधी सीधी बना ली है। और अब रॉन्ग साइड पे हम जो है पैटर्न को बनाना शुरू करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, रो 1 हम रॉन्ग साइड पर बनाएंगे, रो 2 फ्रंट साइड पे बनाएंगे। तो अब देखिए, रो 1 हमने किस तरीके से बनानी है। रो 1 पे हमने पहला फंदा स्लिप करना है और धागा कर लेंगे हम दूसरी साइड, और सारी सिलाई जो है हमने इस तरीके से सीधी सीधी बुननी है। तो पहली सिलाई जो है रॉन्ग साइड पे आसान है, सारी सिलाई हमने सीधी सीधी बुन लेनी है। ऐसे देखिए, फटाफट से हो गई। अब रो 2 पर हम जो है वो पैटर्न डालेंगे। तो किस तरीके से डालेंगे, देखिए, एक ही फंदे का डिज़ाइन है, एक ही जो है सिलाई में बन जाता है। तो कैसे बनाना है, देखिए, रो 2 फ्रंट साइड पे आके पहला फंदा एज स्टिच हम कर लेंगे स्लिप, उसके बाद एक फंदा हम बुनेंगे उल्टा, उसके बाद यहाँ पे धागा कर लेंगे हम दूसरी साइड, और जो ये नेक्स्ट आपको फंदा नजर आ रहा है इसके सेकंड लूप, ये पहला लूप है, इसका सेकंड लूप यहाँ है, यहाँ इस तरीके से सिलाई डालेंगे और यहाँ पे एक फंदा हम इस तरीके से खींच लेंगे। तो इसे आप लूप कह सकते हैं, एक लूप हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, हल्का सा लूज रखेंगे इसे, और इसे जो है सिलाई पर इस तरीके से लगाएंगे, और फिर इन दोनों में इस तरीके से सिलाई डालते हुए हमने 2 का 1 कर लेना है यहाँ पे ऐसे। अब देखिए, ये 2 फंदे उल्टा और जो ये फंदा हमने बुना है, ये 2 फंदे हमने करने हैं बार बार रिपीट। तो एक उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर यहाँ पे दूसरे फंदे पर जो है सेकंड लूप से हमने एक लूप ऐसे निकाल लेना है हल्का सा लूज, और इसे ऐसे सिलाई पर लगा के हमने बैक लूप से 2 का 1 ऐसे कर लेना है। फिर से रिपीट करेंगे, एक उल्टा, धागा पीछे, सेकंड लूप से
एक ड्रॉ लूप करेंगे ऐसे, दो का एक बैक लूप से कर देंगे ऐसे, फिर से कर लेते हैं एक बार, एक उल्टा धागा पीछे, सेकंड लूप से लूप ड्रॉ करेंगे और बैक लूप से दो का एक कर लेंगे ऐसे, एंड में दो फंदे रह जाएंगे, दोनों हमने उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए, तो ये जब हम ये दो सिलाइयाँ बार बार रिपीट करेंगे तो ये पैटर्न जो है बहुत प्यारा सा बनता जाता है। तो मैं बिगिनर्स के लिए जो है एक बार फिर से यहाँ पे ये दो सिलाइयाँ रिपीट करके बता रही हूँ। देखिए, रो वन हम रिपीट करेंगे रॉन्ग साइड पे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, सारी सिलाई हमने सीधी सीधी बुन लेनी है। रो वन हमने रिपीट कर ली, अब आ जाते हैं रो टू रिपीट करेंगे फ्रंट साइड पे। पहला फंदा स्लिप करने के बाद एक फंदा हम यहाँ पे उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करेंगे, लोअर लूप सेकंड लूप यानी वहाँ से हम फंदा बनाएंगे ऐसे और बैक लूप से दो का एक करेंगे ऐसे, फिर से रिपीट करेंगे इन्हीं दो फंदों को, एक उल्टा धागा पीछे, लोअर लूप से हमने एक फंदा बनाना है ऐसे, लगाएंगे सिलाई में उसको और दो का एक कर देंगे बैक लूप से। रिपीट करते जाएंगे इन्हीं दो फंदों को, एक उल्टा लोअर लूप से हम फंदा बना के दो का एक करेंगे ऐसे, एक उल्टा नीचे वाले लूप से फंदा बनाएंगे ऐसे, लगाएंगे सिलाई पे बैक लूप्स से हमने दो का एक कर लेना है ऐसे, एंड में दो फंदे हम बुन लेंगे उल्टे। तो ये देखिए, ये रो वन और रो टू जो है मैंने दो बार आपको बना के बता दी है, और जब हम इनको बार बार रिपीट करेंगे तो जैसे जैसे ये ऊपर को जो है वो चढ़ता जाएगा डिज़ाइन, तो ये बहुत ही प्यारा बनता जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्रीम कलर में बहुत ही क्लियर बनता है, बहुत ही प्यारा सा बनता है, तो आप इसे जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको वीडियो पसंद आई हो, पैटर्न पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और चलिए अब मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।